बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे पहलवानों ने 15 जून तक अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों को आश्वासन दिया है कि दिल्ली पुलिस यौन शोषण के आरोपों की जांच 15 जून तक पूरी कर लेगी। साथ ही पहलवानों पर 28 मई के दिन प्रदर्शन करने को लेकर जितने भी आपराधिक मामले दर्ज किए गए उन्हें भी पुलिस वापस लेने की बात कर रही है। सवाल यह है कि क्या सरकार, केंद्र सरकार, पहलवानों की मांग के आगे घुटने टेक चुकी है या ये फिर से पहलवानों को उलझाए रखने की कवायद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जस हिंदी टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि पहलवानों के साथ बहुत ही संवेदनशील मुद्दों पर सकारात्मक बातचीत हुई है। लगभग 6 घंटे ये बैठक चली और इसमें पहलवानों ने जो मुद्दे उठाए, जैसे कि जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की जांच पूरी करके 15 जून तक चार्जशीट दायर कर दी जाए, रेसलिंग फेडरेशन का चुनाव 30 जून तक कराया जाए, रेसलिंग फेडरेशन की आंतरिक शिकायत समिति बनाई जाए और उसकी अध्यक्षता कोई महिला करे। साथ ही पहलवानों ने अनुरोध किया है कि 3 कार्यकाल पूरा कर चुके बृजभूषण सिंह और उनके सहयोगियों को दोबारा WFI के लिए नहीं चुना जाए। पहलवानों के खिलाफ जितने भी मामले, आपराधिक मामले दिल्ली पुलिस ने दर्ज किए हैं वो वापस ले लिया जाए। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बातचीत के बाद मीडिया से बाहर आकर क्या कहा, आइए दर्शकों को दिखाते हैं। उसमें जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की जांच पूरी करके 15 जून तक चार्जशीट दायर की जाए और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव 30 जून तक किया जाए, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी रेसलिंग फेडरेशन की बनाई जाए और उसकी अध्यक्षता कोई महिला करे। जब तक रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव नहीं होते तब तक IUA की अडहॉक कमेटी पर 2 कोचेस का नाम प्रस्तावित किया गया है, उसका क्योंकि टेक्निकल भी उसमें दिक्कतें बहुत आती, इसलिए सुझाव दिए गए कि 2 कोचेस को उसके ऊपर रखा जाए उस कमेटी में। और जब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव हों, वो एक अच्छी फेडरेशन के रूप में चले, अच्छे पदाधिकारी उसके चुन के आए, उसके लिए खिलाड़ियों से रायशुमारी हो, निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण सिंह जिनकी 3 टर्म पूरी हुई है वो और उनसे संबंधित लोग उसमें चुनकर ना आए, इस तरह की उनकी मांग थी। जो महिला खिलाड़ियों को या बाकी खिलाड़ी आवश्यकता अनुसार सिक्योरिटी उनको मिले, जिन खिलाड़ियों के या अखाड़ों के, एकेडमीज के या कोचेस के खिलाफ मुकदमे हैं उन मुकदमों को वापस लेने की मांग की है ताकि उस पर कोई कानून या पुलिस की कार्रवाई ना की जा सके। और खिलाड़ियों ने कहा है कि वो चाहते हैं कि 15 जून तक चार्जशीट दायर हो और वो भी अपना कोई भी इस पर प्रदर्शन या उनसे जुड़े हुए कोई भी संगठन उनके समर्थक हैं वो भी कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे। तो 15 जून तक प्रदर्शन नहीं करेंगे, इस बात पर सहमति हुई है और पहलवानों के खिलाफ जो मुकदमे दायर किए गए वो वापस लेने पर सहमति हुई है। एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी WFI में सेटअप की जाएगी, इस पर भी सहमति बनी है। तो क्या ये जो सहमति बनी है ये पहलवानों की जीत है या फिर केंद्र सरकार की कुछ कवायद है, क्योंकि ये भी कहा जाने लगा था कि महिला वोटर्स क्या खिसक जाएंगे खास करके पहलवानों के आरोपों को लेकर। हमारे साथ एक बेहद ही प्रबुद्ध पैनल बना हुआ है, आइए पहले उनका स्वागत कर लेते हैं स्ट्रेट टॉक में और दर्शकों से परिचय भी करवा देते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं
बीकेयू हरियाणा के प्रेसिडेंट हैं जोगिंदर घासीराम जी हैं। जोगिंदर घासीराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ है पॉलिटिकल एनालिस्ट मोहम्मद खालिद है, प्रोफेसर मोहम्मद खालिद। खालिद सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है स्ट्रेट टॉक में। और डॉक्टर कुलदीप सिंह पहली बार स्ट्रेट टॉक से जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। डॉक्टर कुलदीप, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जोगिंदर जी, पहला सवाल आपसे कि पहलवानों ने 15 जून तक अपना जो आंदोलन है वो स्थगित कर दिया है। बीच में ये भी खबर आई थी कि किसान पहलवानों के इस कदम से, नौकरी ज्वाइन करने से खफा हो गए हैं और कहीं ना कहीं आंदोलन कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। ये जो डेवलपमेंट हुई है कि 15 जून तक आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा, आपको क्या लगता है, पहलवानों ने सही फैसला लिया है? किसान नेता या नेता हमारी हरियाणा की पंचायत काफी स्वास्थ्य से बिल्कुल भी खबर नहीं है। ये आंदोलन हमारी बहनों का, हमारे खिलाड़ियों का, नौजवान साथियों का था। इसमें किसान यूनियन हरियाणा की खाप पंचायत में सहयोगी थी, सहयोगी हैं और सहयोगी रहेगी। पूर्ण रूप से उन्हीं को ये इजाजत थी कि वो जो भी फैसला लेंगे, वो जो भी दिशा निर्देश देंगे, खाप पंचायत में हरियाणा के किसान संगठन जी जी, ये जो आश्वासन सरकार की तरफ से मिला है, आप अब भरोसा कर पा रहे हैं? क्योंकि पहले भी एक आश्वासन मिला था 3 महीने की जांच का, लेकिन ना ही समय सीमा के भीतर जांच हुई, जांच की रिपोर्ट पेश की गई, ना ही जो नतीजे निकले जांच के उसे लेकर पहलवान संतुष्ट रहे। तो क्या आप फिर से भरोसा किया है, इस पर कोई शक नहीं है आपको? नहीं, हमने वार्तालाप करना पड़ेगा जी, भरोसा करना पड़ता है। अगर कोई हम वार्तालाप ना करेंगे तो प्रोटेक्ट करते रहे, लगातार प्रोटेक्ट करते रहे। हमने टेबल टॉक में हमारा विश्वास है, जब तक टेबल टॉक ना होगा। अब लगातार आप देख रहे हैं, कल हमारी खिलाड़ियों की लगातार 6 घंटे तक हमारे खेल मंत्री के साथ जो वार्ता हुई, उसमें से बहुत सारे पॉइंट आपको 8 पॉइंट सामने निकल करके आए हैं। उन 8 पॉइंटों में से जो हमारे हरियाणा के या पूरे देश के खिलाड़ी थे, जो मौजूदा खेल जो हमारे अध्यक्ष हैं उसके परिवार से, या वो खुद 30 तारीख के लिए चुनाव के डेट रखी गई है, उसमें उनका कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं होगा, ये बात आई है। महिला जो हमारी इसमें अध्यक्ष रखी जाएगी, वो भी जिस बात से खपा थी हमारी महिला पहलवान खिलाड़ी की, वो अपनी बात को पुरुष के सामने अपनी छोटी छोटी बातों को लेकर के नहीं अपनी बात कर पाती थी, वो जो हमारे इसके अंदर कल खेल मंत्री की तरफ से हमारे खिलाड़ी इनके साथ चीन को ताइवान भी साथ में थे, उनमें ये सभी सहमति हुई कि जो आगे से खेल की जो प्रक्रिया होगी उसमें एक सीनियर खिलाड़ी को, महिला खिलाड़ी को शामिल किया जाएगा। इसमें नाराजगी होने की कोई हमारी बात नहीं है। हमने सब पहले दिन से कहा था ये खिलाड़ियों का आंदोलन है, उन वही हमारे से ज्यादा बेहतर तरीके से इस बात को समझते हैं और वो अपनी बात को अच्छे तरीके से रख पाएंगे। हरियाणा के किसान नेता, हरियाणा के उत्तरी भारत की स्त्री हमारी थी या है, वो इस बात से उनके साथ पहले भी थी, आज भी है और आगे भी। अगर आपने कहा 15 तारीख तक या उसके बाद तो हमें या खिलाड़ियों को कहीं शख्स लगेगी तो खाप पंचायतों के सामने, किसान नेताओं के सामने अपनी बात रखेंगे, तो फिर हम आगे भी तरह से प्रोटेस्ट करने के लिए, जैसे पहले उनके साथ थे, आगे भी 2 कदम उनसे आगे रहने के लिए। पूरा देश का माहौल बन चुका है हमारी माता बहनों के, खिलाड़ी बेटियों के साथ, कोई भी अन्याय नहीं होने जी। घासीराम जी, हमारे साथ प्रोफेसर मोहम्मद खालिद भी हैं। खालिद सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है, ये जो समझौता हो गया है कि 15 जून तक जो है जांच पूरी हो जाएगी, फाइल जो चार्जशीट है वो फाइल कर ली जाएगी और पहलवानों की बहुत सारी बातों को मान भी लिया गया है, आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि ये पिछला पूरा जो हफ्ता रहा है 4-5 दिन से सूत्र के हवाले से बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि पहलवान नौकरी पर चले गए तो उन्होंने आंदोलन खत्म कर दिया, साथ ही पहलवान कहते कि नहीं, जो लोग हमारे मेडल को 15 रुपए की कीमत का कहते हैं वही हमारी नौकरी का भी जो है हिसाब देखने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं एक अफवाहों का बाजार गर्म करने की कोशिश भी देखी गई है। प्रोफेसर खालिद, आप अनुराग ठाकुर की जो स्टेटमेंट सुन रहे हैं जो कि बुधवार को सामने आई, और जब पिछली बार इन्होंने पहलवानों के साथ बातचीत की थी, कितना फर्क आपको सरकार की नीयत में दिख रहा है?
नेहा जी, मैं इस ये जो प्रकरण है सारा, इसको एक डिफरेंट तरीके से देखता हूँ जी। पहली चीज तो ये है कि क्या पॉलिटिशियन के लिए जरूरी है कि वो स्पोर्ट्स फेडरेशन के हेड बन के रहें, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे रेसलिंग फेडरेशन है, चाहे बैडमिंटन फेडरेशन है, चाहे फुटबॉल फेडरेशन है। ये पॉलिटिशियंस के पास कौन सी ऐसी कला है कि वो हर खेल को जानते हैं अच्छी तरह से? इसमें तो चलो बाय चांस इसके हेड जो खुद पहलवान रहे हुए हैं, लेकिन ज्यादातर, इसलिए मैं कहता हूं कि हम डिजीज नहीं डिस्कस कर रहे, हम सिम्पटम डिस्कस कर रहे हैं। डिजीज सबसे बड़ी ये है कि पॉलिटिशियंस को किसी भी प्रकार से अलाउ नहीं करना चाहिए कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी का सहारा लेकर के, उसके वर्चस्व का सहारा लेकर के, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से वोटों को मैनेज करके वो उसमें आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर विदेश यात्राएं भी होती हैं, वहां पर ग्रांट्स भी होते हैं, वहां पर सरकार के बहुत सी सुविधाएं होती हैं जो हर फेडरेशन को दी जाती हैं, वो उसको एंजॉय करते हैं, और ये सारा पॉलिटिकल खेल है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ, इसको एक लंबे समय तक क्यों खींचने दिया गया? पहले कहा गया कि विशेष अखाड़ों के बच्चे ही इन्वॉल्व हैं, कभी कहा गया कि हरियाणा के विशेष पॉलिटिशियंस ही इसमें से जुड़े हुए हैं, कभी कहा गया कि जंतर मंतर पर ये जो है ये केवल और केवल अपोजिशन का मेला लग गया है, उसकी उसको इसलिए हम अलाउ नहीं करेंगे। अब जब ये देखा कि खेल हद से ज्यादा बढ़ रहा है और खाप जो है पंचायतें वो भी जुड़ रही हैं जगह जगह के ऊपर, और किसान यूनियंस भी जुड़ रही हैं, उन्होंने देखा कि पॉलिटिकली हमारा बहुत लॉस होने वाला है, तो इसलिए ओपन कर लो दरवाजे बातचीत के। बातचीत के दरवाजे ओपन करने के बाद अब आप कह रहे हैं कि जी हम 15 तारीख तक ये सारा कर देंगे और उसके बाद चार्जशीट किसके खिलाफ करेंगे? देखो, सरकार के पास दो चीजें थी, या था फेडरेशन का प्रेसिडेंट या फेडरेशन। वो कहते फेडरेशन को प्रेसिडेंट को बचाएंगे क्योंकि वो एक पॉलिटिशियन है, उसका 5-7 सीटों के ऊपर प्रभाव है यूपी में, हम वो नहीं होना चाहते, जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, उसको नहीं कुछ होने देना। और उसके डिफेंस में पूरी लीडरशिप आकर के खड़ी हो गई, और उसने उन दिनों में रैलियां भी ऑर्गेनाइज करनी शुरू कर दी अपना वो दिखाने के लिए कि मैं बहुत इन्फ्लुएंशियल बंदा हूं। वो कहता किसी भी सूरत में मैं रिजाइन तो नहीं करूंगा, और सरकार के लोग उसको डिफेंड करने लगे। ये चीजें जो है, इससे ऐसा लगता है कि सरकार ने केवल टाइम बाय किया है कि आगे को ये मसला जो है ये फिजल आउट हो जाए, बजाय इसके कि सरकार सीरियस तरीके से इस ये घटनाक्रम जो हुआ है, जो एक अखबार में बड़ा ग्राफिक डिटेल्स आई पूरे अखबार के अंदर किस दिन क्या क्या हुआ, उसके बावजूद भी अगर सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है, इसका मतलब है सरकार की मंशा ठीक नहीं है। बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर कुलदीप भी जुड़े हैं। डॉक्टर कुलदीप, 3 जून को इंडियन एक्सप्रेस में बकायदा एफआईआर में क्या क्या आरोप लग रहे हैं, वो एक संगीन जो है एक्सपोजर हुआ, पब्लिश की गई वो रिपोर्ट की, आखिर कैसे कैसे ब्रजभूषण ने जो है महिला पहलवान के साथ जो है यौन शोषण करने की कोशिश की, और क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या दिन थे, वो सारा जो है यहाँ पर पब्लिक में आ गया। सार्वजनिक रूप से जो है काफी किरकिरी हुई और बहुत संवेदनाएं जुड़ गई इन महिला पहलवानों के कि आखिर कितनी जो है मुश्किलों से ये गुजरे होंगे, और उसके बाद इस तरह से प्रदर्शन करने को तैयार हो पा रहे होंगे, और इसके बाद अब ये समझौता दिख रहा है कि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर जो है कोई बातचीत भी नहीं हुई है, ये भी निकल कर सामने आ रहा है कि 6 घंटे की बात हुई लेकिन इसमें ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की बात नहीं हुई। और एक बड़ी डेवलपमेंट, जैसा मैंने पहले भी कहा कि नाबालिग शिकायतकर्ता ने तो अपना स्टेटमेंट ही बदल दिया है, आप किस तरह से देख रहे हैं, किसकी जीत किसकी हार, केंद्र सरकार ने घुटने टेके या पहलवानों की बात मानी गई? देखिए, अगर इस समस्या को हम पूर्ण रूप से देखें, हमें यह देखने की जरूरत है कि शुरू में जैसे खालिद कह रहे थे, शुरू में गवर्नमेंट ने बिल्कुल अपना ब्रजभूषण शरण सिंह को डिफेंड करने की कोशिश की, ये कहा कि इन लोगों का जो एजिटेशन है इसके पीछे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग खड़े हैं, और इसको सुना नहीं। फिर आपको याद होगा कि जो एफआईआर दर्ज हुई वो भी इट वाज ऑन द डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एफआईआर दर्ज होने के बाद भी जिस स्पीड से ऐसे संगीन चार्जेस की इंक्वायरी होनी चाहिए थी, उस स्पीड पे
इंक्वायरी नहीं हुई, रादर इसको प्रोलॉन्ग कर दिया गया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे लोगों की जो पॉलिटिकल साइंस की ट्रेनिंग है वो हमें ये बताती है कि पॉलिटिकल पार्टीज तब एक्ट करती हैं जब उनकी कोई इलेक्टोरल कंपल्शन बन जाए। अब सरकार को देखिए, जिस दिन पार्लियामेंट की बिल्डिंग का उद्घाटन होना था उस दिन इन्वेस्टर्स को अरेस्ट कर दिया गया, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। अब देखो कि वो एफआईआर विड्रा करने की कमिटमेंट भी हो गई, अब 15 जून तक इंक्वायरी कंप्लीट करने के बाद चार्जशीट फाइल करने की बात भी हो गई, अब फेडरेशन ऑफ इंडिया की रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की 30 जून तक इलेक्शन की बात भी हो गई। सो ये जो चीजें हुई हैं, चाहे जैसे खालिद भाई कह रहे थे ये जो अब तक हुआ है ये बहुत कम हुआ है, इससे समस्या हल नहीं होती, पर फिर भी मैं ये कहूंगा डेफिनेटली देयर इज अ प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट। व्हाट डू आई सी, व्हाट काइंड ऑफ प्रेशर आई सी, सी देखिए शुरू में इनको लगता था कि इस मुद्दे को टाल टोल करने से, डिले करने से हमारा काम चल जाएगा। ब्रिजभूषण सिंह हमारा 5 बार का एमपी है, उसको हमने डिफेंड करना है, इस रीजन में उसका इन्फ्लुएंस है, पहले इस किस्म की सोच नजर आती थी। अब क्या लग रहा है, अब ये लग रहा है ये जो मुद्दा है ये सिर्फ एक एक रेसलिंग ग्रुप का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा विमेन का मुद्दा बन गया, ये मुद्दा विमेन राइट्स का मुद्दा बन गया, और ये लगने लगा कि दिस इशू में बूम रैंक इन द नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन। सो ये जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की एक्टिविटी की आप स्पीड आज देख रहे हो, इस स्पीड के पीछे क्या फैक्टर काम कर रहा है कि ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा इस मुल्क की जो है अब की रूलिंग पार्टी है उसको नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन में नुकसान कर सकता है। हाँ, मैं ये भी कहूंगा चाहे पूर्ण रूप से इससे समस्या हल नहीं होती, पर मैं तो ये भी कहूंगा कि श्योरली गवर्नमेंट हैविंग रियलाइज्ड के ये हमारे लिए राजनीतिक लेवल पे समस्या खड़ी कर सकता है, उन्होंने एक्ट करना शुरू किया है। मेरे कहने का मतलब ये है कि टाइम बाउंड इंक्वायरी करके, चाहे ये भी बात जैसे आप बार बार कह रहे हो, जब जे वो नाबालिग बच्ची के चार्जेज विड्रा कर लिए गए हैं, उससे इम्प्लीकेशन ये बनती है कि जो चार्जेज अब रह गए हैं, दोज आर बेलेबल ब्रांड्स, जैसे वो चार्ज था माइनर का चार्ज है, दैट मेक्स ऑफेंसेस नॉन बेलेबल। नॉन बेलेबल का मतलब ये था कि जिस आदमी पे जे चार्जेज लगे हैं उसको अरेस्ट किया जाएगा, अरेस्ट करने के बाद उसकी इंक्वायरी होगी। अब ये लगता है कि चार्जशीट तो दायर की जाएगी लेकिन उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो नाबालिग वाला जो सेक्शन है उसको निकाल दिया गया है। प्रोफेसर खालिद, मैं आपसे ही बातचीत आगे बढ़ाना चाहती हूं कि नाबालिग ने अब अपना स्टेटमेंट बदल लिया है और साथ ही साथ ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी पर भी कोई बात नहीं हुई है 6 घंटों की बातचीत में, तो कहीं ना कहीं एक बीच का रास्ता निकालने की केंद्र सरकार की कोशिशें नजर आती हैं और पहलवान इस पर सहमत भी हो गए। तो महिलाओं की जो इंसाफ की बात थी, न्याय की बात थी, क्या वो हाशिए पर चली गई है? देखो, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो पॉलिटिशियन होते हैं उनके पास बहुत से वेज एंड मीन्स होते हैं इन्फ्लुएंस करने के, और वो तो बच्चे हैं, और बच्चों को उनके माँ बाप को सरकारों द्वारा, सरकारी तंत्र द्वारा इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, उनको डराया भी जा सकता है, उनको प्रलोभन भी दिया जा सकता है, और ऐसा ही कुछ हुआ भी होगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई माइनर ऐसा इल्जाम लगाता है तो उसके ऊपर पॉस्को का एक्ट लगता है जिसके मुताबिक नॉन अवेलेबल है, उन्होंने वो नहीं होने दिया और जो माइनर है उसने अपना बयान बदल दिया। इसका मतलब यह है कि केवल उस माइनर के बयान बदलने से जितने भी टोटल पहलवान लड़कियां हैं, रेसलर लड़कियां हैं, उन सबके जो इल्जाम है वो फीके पड़ गए या धीमे पड़ गए या कमजोर पड़ गए, क्योंकि वो कहेंगे कि अगर एक ने बयान बदल दिया तो बाकी का भी कोई ऐसे ही मामला होगा। ये बात आगे को आने वाले दिनों में आएगी कि ये सब इल्जाम बेबुनियाद थे, ये तो ये कोशिश है कि जो एकता है पहलवानों की आरोपों को लेकर वो तोड़ने की, उनको विभाजित करने की कोशिश, वो तो दो जगह पे टूट गई। जब कोई पहलवान जाकर के सर्विस नौकरी ज्वाइन कर लेता है तो नेचुरली वहां से भी प्रेशर डला होगा कि आपकी नौकरी जाएगी, आपका जो कुछ भी होगा,
तो अल्टीमेटली इंसान तो इंसान है और वो तो बच्चे हैं, वो डर गए होंगे या इन्फ्लुएंस में आ गए होंगे या उनके रिश्ते द्वारा या उनके ऑफिसर्स द्वारा किसी तरह से वो किया, उनके अंदर दरार तो पड़ेगी। क्योंकि एक तरफ एक एक बच्चे ने बयान बदल लिया, दूसरे जो थे उनके साथ आपने बातचीत का रास्ता खोल दिया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर ऐसा कुछ हुआ भी है, क्या हमारे यूनिवर्सिटियों में क्या होता है, बच्चे जब धरने पर बैठते हैं ना, आप ध्यान से सुनने वाली बात है जी, बच्चे जब धरने पे बैठते हैं ना, कुछ दिन धरने पे बैठते हैं, फिर उन पर पुलिस को लाठीचार्ज होगा या पुलिस ने के साथ हाथापाई हो गया, वो जो असली मुद्दा है वो दूर चला जाता है, जो FIR हो जाए या पुलिस में कंप्लेंट हो जाए वो प्राइमरी मुद्दा बन जाता है। इसी तरह से इसमें भी FIR वापस लेना जो है वो प्राइमरी मुद्दा बनता जा रहा है और जो उनके इल्जाम थे वो सेकेंडरी रहेंगे, जबकि उनके इल्जाम के ऊपर सबसे पहले इंक्वायरी होनी चाहिए थी और उन पर एक्शन होना चाहिए था। लेकिन सरकार ने जब एक जिद पकड़ ली, एक ईगो का मसला है कि हम ये नहीं होने देंगे, और वो तो अक्सर कहा जाता है कि हम लोग रिजाइन नहीं किया जी। आपने एक बहुत ही गंभीर बात यहाँ पर रखी है कि प्राइमरी फोकस कहाँ चला गया, ये फोकस कहीं वहां तो नहीं चला गया कि 28 मई को जो दिल्ली पुलिस ने बर्बरता दिखाई और फिर आपराधिक मामले दर्ज कर लिए पहलवानों के खिलाफ। जी हमारे साथ जोगिंदर जी भी जुड़ चुके हैं, उनसे कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है, नाबालिग ने अपना स्टेटमेंट बदला है। जोगिंदर जी आप अगर सुन पा रहे हैं तो मैं आपसे जवाब लेना चाहूंगी, नाबालिग माइनर जो शिकायत करता है ब्रजभूषण के खिलाफ स्टेटमेंट बदल लिया है उन्होंने, क्या कोई दबाव या फिर आपके पास इससे जुड़ी कोई जानकारी? नहीं, मैं मेरे पास लेटेस्ट जानकारी तो नहीं है, मैं लेकिन यह बताना चाहूंगा कि जिस टाइम FIR दर्ज हुई थी वो नाबालिग लड़की के रूप में दर्ज की गई है जी। अब इसको एकदम से नहीं हटाया जा सकता, वो प्रेशर में उसके माँ बाप को या लड़की के ऊपर किसी भी तरह का प्रेशराइज करके ये जताया गया कि वो लड़की नाबालिग है। लेकिन अब वो जो स्टेटमेंट उनकी जब FIR दर्ज की जा चुकी है, वो FIR रद्द नहीं हुई है, बयान वो कह रहे पट दिए गए हैं, वो कानूनी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। लेकिन ऐसे जो कल भी खाप पंचायतें हुई हैं जिन्होंने प्रेशराइज किया गया है, उनके ऊपर भी कार्रवाई का आश्वासन खाप के लोगों के द्वारा दिया गया है जी। कल जो विनेश फोगाट के गांव में महापंचायत हुई तो वहां पर माइनर के कंप्लेन को लेकर, बयान को लेकर कोई बात हुई, चर्चा हुई जी? कल एक दिन पहले विनेश फोगट के गांव में महापंचायत बुलाई गई थी, इस महापंचायत में क्या बातचीत रही, क्या बातचीत विशेष तौर पर की गई? इसमें यह कहा गया कि जो हम हमारे हरियाणा की बेटियों के साथ, पूरा हरियाणा की खाप पंचायत किसान संगठन, ये केवल अब हरियाणा का मुद्दा नहीं रहा, ये मुद्दा अब सारे 1983 के खिलाड़ी हैं जो हमारे विश्व चैंपियन है या विदेशों में जो हमारे हैं, सभी का ये एक विस्तृत रूप लेता जा रहा है, एक आंदोलन बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन इसको लेकर राजनीतिक लोग क्या आप कहेंगे, ये मानेंगे कि सरकार की तरफ से दबाव लगातार डाला जा रहा है कि जो महिला पहलवान है उनकी एकता किसी तरह से टूट जाए और उनको अलग अलग जगह पर जो है दबाव बनाया जा सके और वो अपने जो आरोप है ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ उससे कहीं ना कहीं जो है वापस पलट जाए, कि दबाव की बात आप स्वीकारेंगे? नहीं, सरकार की हमेशा नीतियां होती है कि वो आंदोलनकारियों के ऊपर जो उनके विरोध में डटे हुए लोग हैं उनको हर तरह से प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं, उन्हें तोड़ने का प्रयास करते हैं। वो जो हमारा 13 महीने का किसान आंदोलन चला उसके अंदर भी हमारे सब किसान नेताओं को ये प्रेशराइज किया जाता था कि आंदोलनकारी नहीं है ये, आतंकवादी है, अलगाववादी है, नशेड़ी लोगों का इकट्ठा जमाड़ा हुआ है। वो हर तरह के आंदोलनकारियों को इस तरह के भिन्न भिन्न नामों से अलंकार करने का काम करते हैं। लेकिन मुझे आशा और उम्मीद है कि जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर की हमारी खिलाड़ी बहनें हैं वो सरकार की किसी तरह के प्रेशर में नहीं आएंगी।
जी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी जोगिंदर जी। तो ये साफ कर दिया, स्पष्ट कर दिया हरियाणा में कि जो बेटियां हैं वहां की वो किसी तरह से किसी समझौते के जो है परिस्थिति में या फिर स्थिति में जो है नहीं दिखती हैं, और क्योंकि समर्थन जो है सिर्फ हरियाणा से ही नहीं पूरे राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें समर्थन मिल रहा है, क्योंकि राजस्थान से भी कुछ ऐसे समर्थन की आवाज निकल कर आ रही है, वहां पर भी बेटियों के समर्थन में बातें रखी गई हैं सामने पटल पर। कुलदीप सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि ब्रजभूषण को इस पूरे पूरे मसले से साफ हटा लेने की जो कोशिश थी केंद्र सरकार की, क्योंकि 2024 का चुनाव जो है प्रमुख बना हुआ है, कहीं ना कहीं जो महिला वोटर्स है वो नाराज होने लगी थी, क्योंकि FIR जब से पब्लिक हुई थी तब से ये नाराजगी संवेदनशीलता इस मसले पर बेटियों के साथ सहानुभूति बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। डॉक्टर कुलदीप, दो तीन चीजें हैं। पहली बात जो बात आप कर रहे हो ना कि फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन की जो इन बच्चियों को सपोर्ट की बात है, वो ह्यूज सपोर्ट इनको मिली है, ना सिर्फ फार्मर ऑर्गेनाइजेशन से मिली है, स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी से मिली है, हर वर्ग से मिली है। इनफैक्ट मैं तो ये समझता हूँ इतनी बड़ी जब पब्लिक सिंपति इन लोगों के साथ आ गई तब ही सरकार की कंपल्शन बनी कि एक्ट किया जाए, अदरवाइज इन्होंने एक्ट नहीं करना था। जो हम सारी बातें करें, अब अगर सारी बातों को एक साथ रख के देखा जाए, जो सबसे बड़ी रूलिंग पार्टी की कंसर्न क्या था कि उन्होंने अपने आदमी को अरेस्ट कराने से बचाना था। ये जो चाहे ये सही है कि FIR जब दर्ज हो जाती है उसके बाद अगर FIR विड्रा होगी जो कोर्ट प्रमिट करेगी, ऐसे विड्रा नहीं होती, लेकिन जो चार्जेस की बात है उसकी लैंग्वेज की बात है, जैसे आप हमारे साथी बता रहे हैं, अगर वो चार्जेस विड्रा कर दिए गए हैं उसका मेरा ये मानना है कि पुलिस की ब्रजभूषण को अरेस्ट करने की जो कंपर्शन है वो खत्म हो गई। दूसरी बात, आप ब्रजभूषण इजली कोर्ट से बेल ले सकते हैं, जो पहले जो पॉक्सो वाला कानून है उसके होते हुए वो बेल उनको नहीं मिलनी थी। अगली बार आप जब चार्जशीट फाइल कर दी जाएगी उसके आगे क्या होगा? उसके आगे तो कोर्ट ही फैसला करेगी ना। अच्छा, कोर्ट के आगे भी मैं आपको एक बार बता दूं कि जो पॉलिटिशियंस हैं जिनको इलेक्शन कंटेस्ट करने से बाहर किया जाता है वो कन्विक्शन के बाद होता है, और उसमें भी एक सजा की ड्यूरेशन है, मेरे लिहाज से 3 साल है। पर आप अगर आपको 3 साल की कन्विक्शन हो गई, हायर कोर्ट ने उसको स्टे नहीं किया, आप इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते, वो लॉन्ग टर्म की बात है। सो जो इमीडिएट कंसर्न था रूलिंग पार्टी का, वो दैट हैज लार्जली बीन टेकन केयर ऑफ बाय दिस। प्रोफेसर खालिद, कहीं ना कहीं बेटियों का जो संघर्ष था कि WFI को एक ऐसी जगह बनाई जाए जहां पर महिला पहलवानों का यौन शोषण, मानसिक शोषण, ये सब ना हो पाए, तो कहीं ना कहीं बेटियों की ये जो चिंता थी कुछ हद तक इस चिंता को दूर कर पाने में ये सफल भी नजर आती है? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखो, ऐसा है कि ये जो कुछ भी वादे किए गए हैं ये केवल टाइम बाइंग है, यानी के वक्त गुजारने की बात है। अगर आप सोचो कि गवर्नमेंट या सरकार या जो फेडरेशन है वो सीरियस होती तो पहले से इसका संज्ञान लेकर के कोई ना कोई एक्शन होता, हर समय पर हर लेवल के ऊपर इसको डाइल्यूट करने की कोशिश की गई। पुलिस एक्शन उसका एक कल्मिनेशन है। अगर हम इस चीज को हम देखें तो डेफिनेटली सरकार इम्प्रूवमेंट जो है, सिर्फ मैं रेसलिंग फेडरेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जितने भी स्पोर्ट्स फेडरेशन है सब में यौन शोषण की बातें होती हैं, बहुत सारे उसमें ऐसी चीजें होती हैं और कई बार उन पर एक्शन होता है बहुत माइनर, और कई बार बिल्कुल उसको इग्नोर कर दिया जाता है कि स्पोर्ट्स है, ये तो चलता है, होता है, लगता है। तो इसमें भी मुझे नहीं लगता कि सरकार सीरियस है उस डिजीज को एड्रेस करने के लिए। जो मैंने पहले कहा है कि पॉलिटिशियन क्यों यहां पर हेड बन करके बैठे, क्यों क्रिकेट फेडरेशन का हेड जो है वो कोई पॉलिटिशियन या पॉलिटिशियन का बच्चा होना चाहिए, क्यों बैडमिंटन या रेसलिंग फेडरेशन का कोई MP होना चाहिए? ये नेशनल लेवल पर भी है, ये स्टेट लेवल पर भी है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी है। हर लेवल पे आप देखेंगे पॉलिटिशियन आगे बैठा हुआ है, जिसने कभी फुटबॉल को पैर तक नहीं लगाया है वो फुटबॉल फेडरेशन का हेड है, जिसने कभी कोई गेम नहीं खेली है। ये सब चीजें जब तक एड्रेस नहीं होती मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक आई वॉश है
जी टाइम बाइंग कैप्सूल है, इसके अलावा कुछ नहीं। कुलदीप सर से समझना चाहूंगी, कुलदीप सर एक बात जो कि सरकार ये चाहती थी कि क्लोज डोर टॉक्स हो और इसकी बात किसी को पता ना चले, क्योंकि अमित शाह के साथ पहलवानों की बातचीत हो हुई है या नहीं हुई है इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई, और साथ ही साथ जब अनुराग ठाकुर के साथ 6 घंटे की बातचीत हुई तो उसके बाद ये भी खबर है कि अनुराग ठाकुर चाहते थे कि बातचीत के बाद जिन मुद्दों पर सहमति हुई है पहलवान उनके साथ आए और एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट जारी की जाए, लेकिन पहलवान इससे मुकर गए, वो चाहते थे कि वो साथ में मीडिया के सामने नहीं आए और पारदर्शिता को लेकर पुनिया जो है वो अड़े रहे। तो कहीं ना कहीं पुनिया का जो स्टैंड रहा है वो लगता है कि वो सरकार पर भरोसा नहीं कर रहे थे, इसीलिए वो चाहते थे कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे टॉक्स को लेकर। डॉक्टर कुलदीप आप किस तरह से देखते हैं? देखिए जो जो गवर्नमेंट के कंसीडरेशन रहती है, डिजाइन होते हैं, उनकी हम बात कर चुके हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल हमको माननी पड़ेगी कि इतनी पावरफुल सरकार के होते हुए, इतनी पावरफुल पार्टी के होते हुए, इतने पावरफुल बृजभूषण शरण सिंह के होते हुए अगर ये बच्चियां अड़ी रही हैं, मैं तो ये कहूंगा कि इट नीड्स अ ह्यूज करेज और बहुत, देखो मेरी बात सुनिए, जो 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 ऑड्स हैं वो उसकी बात नहीं हम करें, फार्मर एजुकेशन शुरू हुई 3 करोड़ों के कॉन्टेक्स्ट में शुरू हुई, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, जो इंसिडेंट लाल किले पे हुई वो सेंटर स्टेज पे आ गई, जो उनको खालिस्तान बना दिया वो सेंटर स्टेज पे आ गई, जो बाकी इंसिडेंट्स हुई उनको सेंटर स्टेज पे ले आ गई। सो सरकारें ऐसा काम करती हैं, ऐसी एजिटेशन इतनी पावरफुल सरकार के खिलाफ अगर लड़नी हो दैट नीड्स यूज करें। देयरफॉर मैं तो इन बच्चियों को शाबाशी दूंगा कि इतना बड़ा हौसला इन्होंने दिखाया। जैसे आप कह रहे हो सी छोटे छोटे बच्चे अगर मुल्क के स्पोर्ट्स मिनिस्टर को ये कहते हैं कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके साथ नहीं करेंगे, ठीक है जैसे हम सारे कह रहे हैं कुछ बातें सरकार की इनको इन्होंने मानी है वो हमें नजर आ रही है जो हर एजुकेशन में होता है, लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि जितना हौसला जितना डिटर्मिनेशन जितना इन्होंने एक ये दिखाया है अब तक दैट इज कमेंडेबल। छोटे छोटे बच्चे हैं जी और इन्होंने आप भी देखिए ना जो इनकी ऑप्शन है कि अगर सरकार जो चार्जशीट इन्होंने 15 जून तक फाइल करना नहीं करती, अगर कोई गड़बड़ करती है, इन्होंने एजिटेशन जो है ना विड्रॉ नहीं की, इन्होंने एजिटेशन सस्पेंड की है, यानी कि एजिटेशन रीलॉन्च करने वाली ऑप्शन दे आर कीपिंग ओपन। हां जो 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 फंडामेंटल मुद्दों की बात प्रोफेसर कालिद कर रहे हैं वो दैट इज अ सेपरेट स्टोरी, दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन, बट कीपिंग ऑल थिंग्स इन माइंड आई वुड से इट्स अ बिग फाइट, इट नीड्स ह्यूज करेज टू रेज वॉइस अगेंस्ट अ पावरफुल पर्सन लाइक बृजभूषण शरण सिंह, इट नीड्स ह्यूज करेज टू रेज वॉइस अगेंस्ट BJP government, therefore I am all praise for India. Wrestlers, जी, प्रोफेसर खालिद क्या डैमेज कंट्रोल कर पाएगी बीजेपी जितना डैमेज हो चुका है, और खासकर अब ये जो रास्ता निकाला गया है कि बृजभूषण पर कोई आंच ना आए, कानूनी जो आंच आ रही है उसको थोड़ा सा उसका जो इंटेंसिटी है वो कम कर दी जाए, ये डैमेज कंट्रोल हो पाएगा? देखो ऐसा है कि जो भी पूरी स्टोरी बनी है पिछले 2 महीने में ये स्टोरी बिल्कुल समझ लो कि दीवार पे लिखी हुई है। सब लोगों को पता है कि कौन कौन से जो इन्फ्लुएंसेस हैं किस तरह से प्ले कर रहे हैं, किस तरह से उनको ट्रीट किया गया है, किस तरह से उन पर इल्जाम तराजी की गई है, और फिर जो आपने बताया था इंडियन एक्सप्रेस में जो ग्राफिक डिटेल्स बच्चों ने बताया कि उस दिन ऐसे हुआ। मैं दर्शकों के लिए बताना चाहूंगी कि 3 तारीख को इंडियन एक्सप्रेस में डिटेल्ड है वो FIR में किस तरह से शिकायत की गई है 7 महिला पहलवानों और एक नाबालिग ने, वो अगर चाहे तो ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है एडिशन इंडियन एक्सप्रेस का, वो जाकर देख सकते हैं। 3 जून की ये पब्लिश हुई थी ये अखबार। जी आप बात पूरी करें। तो नेहा जी वो जो इल्जाम है दिन प्रतिदिन के लगाए हुए वो सारे के ऊपर व्हाइट वॉश नहीं फिर गया है, वो सारे उसी तरह से खड़े हैं। अब देखना ये है कि जो चार्जशीट आती है उसमें क्या जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बिठाए हैं सरकार ने उन्होंने इन चीजों का संज्ञान लिया है,
क्या उसके ऊपर ब्रिजभूषण शरण सिंह का कोई बयान है रिटर्न रूप में, उसने कोई लिंक करके दिया है या इर्द गिर्द से ही उन्होंने इकट्ठा करके ये चार्जशीट बनाई है? ये चार्जशीट आने के बाद पता चलेगा। लेकिन अगर आप कहो कि ये सब जो है जनता भूल जाएगी, वो पॉसिबल नहीं है। खासतौर पर हरियाणा के लोग इसको नहीं भूलेंगे, जहां के बच्चों के साथ ऐसा हुआ है कोई भी, क्योंकि हरियाणा की जो पहलवान खिलाड़ी हैं, चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, वो हरियाणा की आन बान और शान है, मेडल लाते हैं, उसके लिए हरियाणा गर्व करता है। अगर उनके साथ ऐसी चीज होती है तो मुझे लगता है कि कम से कम हरियाणा की जनता इसको नहीं। बिल्कुल डॉक्टर कुलदीप, क्योंकि बहुत ही सीमित समय रह गया है तो मैं आपसे समझना चाहूंगी कि क्या डैमेज कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत ज्यादा किरकिरी हो गई है। आईओसी ने धमकी भी दे दी थी कि WFI को क्यों सस्पेंड नहीं कर दिया जाए, क्योंकि खिलाड़ियों की जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित कर पाने में कहीं ना कहीं नाकाम दिख रहे थे, कार्रवाई नहीं हो रही थी। डॉक्टर कुलदीप, मेरे लिहाज से डैमेज कंट्रोल जो करने की कोशिश हो रही है वो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? नंबर वन, जैसे आपने कहा है, ये जो चार्जेस, वेरी सीरियस चार्जेस, जिसकी ग्राफिक डिटेल आप कह रहे हो 3 जून को इंडियन एक्सप्रेस छपी थी, वो हर बच्चे बच्चे को पता है। तो ये जो चार्जेस, जो सीरियस संगीन चार्जेस जो लगे हैं, ये इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि अगले इलेक्शन तक ये जाएंगे। जिस जो पब्लिक मेमोरी है ना, पब्लिक मेमोरी जिसको हम शॉर्ट कहते हैं, पब्लिक मेमोरी इज नॉट दैट शॉर्ट। ऐसे मुद्दे हैं जो मुद्दे पब्लिक मेमोरी में रेजोनेट करते रहेंगे और बीजेपी का नुकसान करेंगे। मेरे लिहाज से डैमेज कंट्रोल वुड नॉट बी पॉसिबल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर खालिद आपका भी और डॉक्टर कुलदीप सिंह आपका भी, और धन्यवाद करना चाहूंगी जोगिंदर घासीराम जी का भी, BKU के प्रेसिडेंट हरियाणा से। और इन पैनलिस्ट की मदद से हमने ये समझने में हमें आसानी हुई कि आखिर महिला पहलवानों ने जो प्रोटेस्ट पोस्टपोन कर दिया है, इसके आगे अब क्या इस आंदोलन का स्वरूप होगा, क्या उन बेटियों को इंसाफ मिल पाएगा जिन्होंने ब्रिजभूषण शरण सिंह पर सालों से यौन शोषण करने का संगीन आरोप लगाया है, क्या ब्रिजभूषण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए, क्या इस मुद्दे को अब, जैसा कि साइडलाइन किया जा चुका है ऐसा नजर आ रहा है, कर दिया क्या है, सवाल बने हुए हैं। इस सवाल का अगर जवाब देना हो तो फीडबैक देना ना भूलें info@justbroadcasting.com पर और neha@justbroadcasting.com पर भी मुझे आपके ईमेल्स का इंतजार रहता है। अब से फिर होगी मुलाकात, अपना ध्यान रखिए।